हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप सेट है यहाँ पे मॉडल सेट करा रहा हूँ। ठीक है, मॉडल सेट किसका है? प्रैक्टिस सेट आपका है, मॉडल सेट ये आपका मॉडल सेट 2 है। ठीक है, थोड़ा 2 सेकंड केवल रुकिएगा। और ये आपका जीके का 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, आप 20 नंबर ला के दिखाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको मैं बताऊँगा नहीं फिर से कि ये आपका प्रीवियस ईयर की बुक से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा केवल। ये आपका जो है बुक से मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बुक है। ठीक है, और ये मॉडल सेट चलना है, इसके पहले पार्ट को ना देखा तो देख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दादर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा है, सिलवासा में। ठीक है, ये सारे आपके एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिलवासा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा किस देश में है? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका चौथा पार्ट सऊदी अरब में। ठीक है, सबसे ऊँची लंबाई का जानवर कौन कौन है? चार ऑप्शन को देख के ही बताइएगा। ठीक है, तो वैसे ऊंची लंबाई का तो जिराफ होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ स्क्राई स्क्रेप्स किस शहर को कहा जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क का राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में 20 लाइएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल का कैडीज किस चीज़ के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध है? तो 30 नंबर क्वेश्चन है, चौथा पार्ट कॉर्क का राइट ऑप्शन है। ठीक है, टोक्यो क्या होता है ये थोड़ा देखिए, इससे रिलेटेड मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा। पहली चीज़ आप बताइएगा कमेंट में मुझे, आपको आ गया था कि नहीं। ठीक है, टोक्यो सबसे पहली बात तो टोक्यो रुकी है, टोक्यो किसकी राजधानी है मतलब बताइए? जापान की राजधानी टोक्यो होती है, जापान की राजधानी टोक्यो होती है। अब यही पूछा था कि जापान की करेंसी क्या होती है, तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, तो ये आपको आना चाहिए। जापान की करेंसी येन होती है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, जीके में शिफ्ट में हर बार मतलब 1, 2, 3 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में आ जाता है। ठीक है, देखिए दिया गया है आल्पस ए जो पर्वत है किस महादेश में स्थित है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। 32 का क्या होगा, सॉरी इसका ये तो आंसर मैंने किया नहीं, इसका अराकावा। टोक्यो किस नदी किनारे बसा है? अराकावा। ठीक है, 31 का तीसरा राइट ऑप्शन है, चलिए 31 का तीसरा राइट ऑप्शन है, ध्यान कर लीजिएगा। 32 का क्या होगा, यूरोप में आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। ठीक है, 32 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 33 नंबर क्वेश्चन, नील नदी कहाँ से निकलती है और भारत की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? नील नदी है। और ये नील नदी किसकी देन है? तो मिस्र की देन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से निकलती है? 33 नंबर का दूसरा, विक्टोरिया लेक से। दुनिया की सबसे बड़ा झील कौन सा है बताइए? 34 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की बात है तीसरा है, कैस्पियन सागर कह सकते हो, या कैस्पियन सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। ठीक है, 34 का तीसरा पार्ट राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन, यूजीसी ठीक है, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो इसका मतलब अध्यक्ष कौन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाए, धीरेंद्र सिंह पाल हैं। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में लड़ी गई कौन सी लड़ाई थी? तो ये सब क्वेश्चन सबको आता होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आप बात है, तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में लड़ाई गई थी। ठीक है, चलिए तो इसका आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई मैंने बता दिया, एक बार फिर से बताते हैं, 1761 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये देखिए आप थोड़ा 2 सेकंड केवल रुकिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ाई गई थी। ठीक है, वैसे राइट ऑप्शन आपका दूसरा पार्ट है, ये पहले कन्फर्म कर लीजिए, और ये बांदीवास नहीं होगा, जहाँ तक बांदीवास हो जाएगा। ठीक है, बांदीवास का कब हुआ था आपका, 22 जनवरी को हुआ था, 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में और 22 जनवरी को। ठीक है, और ये खानवा का युद्ध देख लीजिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 22 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, और इसका मैंने बता दिया था ये धीरेन्द्र सिंह पाल। ठीक है, 35 का पहला ऑप्शन राइट था, मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, रुकिएगा 1 सेकेंड, 36 नंबर का भी बता दिया, 37 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दिया गया आपका ये है क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है, 35 का तो पहला मैंने बताया था, इसमें ये भी देख लीजिएगा, यूजीसी। ठीक है,
यूजीसी कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसका फुल फॉर्म बताइए, AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ये मैंने क्यों बताया आपको पता है? क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है ऐसे दिवस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, तृतीय हिंद पैरेट ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो कहा जाता है, ये आपको पता भी होगा। कांग्रेस के मैंने लूसन बुक आपको कराई है, लगभग आपको 35 प्रैक्टिस सेट उसके कराएं, 1 से लेकर 35 तक जिसने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके जीके में बहुत अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएंगे नंबर, ठीक है। उसी से आपके एयरफोर्स हमेशा फंसती है जीके, ठीक है। तो 1 से लेकर 35 तक देखिए, 4 मिनट गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप स्पीड कम ज़्यादा करके जैसे भी अच्छा लगे, मेरी स्पीड आपकी तेज़ है कि धीरे, आपको जैसे लगे तेज़ करके या धीरे करके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 35 तक लूसन बुक कराई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। और तृतीय हिंदी मतलब किन्हें कहा जाता है? भारत का तोता भी कहते हैं इसको, अमीर खुसरो, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने? 38 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका दूसरा है बेलगांव। वंदे मातर नामक समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? 39 नंबर क्वेश्चन का चौथा पार्ट अरविंद घोष, ठीक है। वंदे मातरम, अरविंद घोष, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा वैसे, ठीक है। इसमें भी वा आ रहा है, वंदे, इसमें भी दा, वंदे बिंद टाइप का वंदे, ठीक है। ये शायद 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छूट रहा था ये क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छोटे छोटे कितने राजघराने या राज थे, ठीक है। तो बताइए जरा, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए चौथा ऑप्शन राइट है, 562 थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये भी पूछता है एयरफोर्स, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं मॉडल सेट आपको करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था मॉडल सेट फर्स्ट में कि मैं प्रीवियस ईयर बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर वैसे दूसरा राइट है। जलियांवाला बाग 13 मार्च 1919 हुआ था, और किसके विरोध में सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने लोगों पर गोलियाँ चलाई थी, ठीक है। तो वो तो अच्छा क्वेश्चन वैसे बन गया, यह 42 का कम्युनियल अवायर, ठीक है। 42 का दूसरा, ये किसी को नहीं पता होगा, जल्दी पल्दी तो आप पता चल गया, चलिए ठीक है। 43 नंबर को वर्तमान में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर कौन है? कमांडर, ठीक है, कमांडर कौन थे भारतीय नौसेना? नेवी डे, रुकिएगा एक सेकंड, केवल एक सेकंड, इसका आंसर अभी अब मैं बता दूंगा। चलिए, तो नेवी डे कब होता है बताइए ज़रा? 4 दिसंबर को। आर्मी डे स्थल, आर्मी डे बताइए कब होता है? बताइए, 15 जनवरी को, ठीक है। एयरफोर्स डे कब होता है? एयरफोर्स मतलब वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है, 8 अक्टूबर को होता है, अक्टूबर को होता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए, तो आप लिख लीजिएगा, ध्यान तो होगा वैसे भी। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दूसरा पार्ट, एडमिरल सुनील लंबा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एयरफोर्स में। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अकादमी कमांडर कौन थे? एडमिरल सुनील लंबा थे। ये 44 है, ठीक है, 43 पर 44 से तो आता है, 44 है, ठीक है, 4 लिखा है, ये 4 है। 44 नंबर क्वेश्चन, 2019 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? अब शायद 2023 है जो विश्व कप जो होगा वो आपका भारत देश में होगा, ठीक है, 2023 का। ये दिया गया वैसे, 2019 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? 44 नंबर क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंग्लैंड में होगा, कोई बात नहीं, ये मैच आपने देखा भी होगा, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़े देखे धुंधले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह बोल के बताऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें 2005 का ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 45 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे चौथा है, सरस पहुँचा। मिला किसको था? मनोज कुमार कोठारी और MDS पाटिल और राजेंद्र सिंह जूनियर को मिला था, लेकिन चौथा ऑप्शन है जिसको नहीं मिला था, बात खत्म। और हेलेन मेरी का संबंध किस खेल से? हेलेन मेरी, रुकिएगा मैं लिख दूँ वरना आप कहेंगे दिख नहीं रहा था, हेलेन मेरी किस खेल से संबंधित है? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन चौथा है, हॉकी से। हॉकी से, ये क्वेश्चन आपका वर्ष 2001 की गणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? पहला है 1.26 करोड़। रुकिएगा, 47 तक हो गए, और कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को दर्शाता है? छुआछूत से रिलेटेड है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत से रिलेटेड है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, और ये अस्पृश्यता भी लिख के आता है, कभी अस्पृश्यता लिख के आया या तो छुआछूत लिख के आता है, वैसे अस्पृश्यता ज़्यादा लिख के आता है,
छुआछूत भी उसको कहते हैं, ठीक है सी को। चलिए अनुच्छेद 17 से रिलेटेड 47 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं दिखाऊंगा तो बता दूंगा। बिजनेस ए एट द रेट, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थाउट नामक पुस्तक लिखा कौन है, 48 नंबर क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर बिल गेट्स हैं। और विश्व में सबसे अधिक दर से किस देश की जनसंख्या बढ़ रही है, 49 का तीसरा, ठीक है, जॉर्डन है, ठीक है। नेक्स्ट है ए ईस्वी के मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, किस ईस्वी के संदर्भ में एडी का शब्द विस्तार क्या है, एडी का शब्द विस्तार वैसे होता क्या है, आप लोग बताइए क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एनो डोमिनी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये आपका मॉडल सेट 2 था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरा चैनल जो है डिफेंस स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक तो सबसे पहले कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। 25 क्वेश्चन कराए थे, और एयरफोर्स में आपके रुकिएगा 6-7 नंबर तक जीके आती है, मतलब ये कि 7 नंबर तक जीके मान सकते हो, 7 से ज़्यादा नहीं आती, 7 नंबर की आती है। तो ये मिक्सअप क्वेश्चन थे मेरे, 25-25 क्वेश्चन, देखिए हर प्रैक्टिस सेट में शायद एक ना एक क्वेश्चन शायद फंस जाए, या फिर आपके या तो 15 प्रैक्टिस में एक दो नंबर 2-3 नंबर का फंस जाएगा, तो पूरे प्रैक्टिस सेट देखिएगा। वैसे भी ज़्यादा कुछ 6-7 नंबर आने तो आपको बहुत